महाराष्ट्र के अमरावती में एन सोयाबीन की कटाई के समय एक बार फिर सातधार बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते अब खेती किसानी के लिए दोबारा संकट पैदा हो गया है, क्योंकि पूरी तरह से पक्कर तैयार हो चुकी सोयाबीन बारिश में भीगकर खराब हो रही है और सोयाबीन की पैदावारी खराब होने से उसे अपेक्षित दाम नहीं मिलने वाले। ऐसे में किसानों के सामने एक बार फिर चिंता और संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष बारिश के सीजन में करीब 84 राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि हुई है और सभी तहसीलों में औसत से अधिक बारिश हुई है। विगत 5 जुलाई से शुरू हुई सतधार बारिश के दौर की वजह से पहले ही 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन को नुकसान हो चुका है। अभी जिले के किसान इससे जैसे तैसे संभले ही थे कि बीते 5 दिनों से एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। ऐसे में इन फसलों की कटाई के समय सोयाबीन की फसल और उपज बर्बाद हो रही है। इस समय कई किसानों ने अपने अपने खेतों में सोयाबीन की कटाई शुरू कर दी है और पूरी तरह से पककर तैयार सोयाबीन के ढेर अभी खेतों में ही लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच शुरू हुई बारिश के चलते कीमतों में भी आगे चलकर गिरावट का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको बता दें कि सोयाबीन अब सड़ना भी शुरू हो चुकी है और उसमें नमी बढ़ जाने की वजह से अंकुरण होने लगा है। इसके अलावा विलंब से बुआई किए गए सोयाबीन की फसल अपेक्षित रूप से तैयार नहीं हुई है। ऐसे में दोनों की तरह ही सोयाबीन की पैदावारी कम हो चुकी है। इसके चलते व्यापारियों द्वारा ऐसे सोयाबीन को औने पौने दाम पर खरीदा जा रहा है। करीब 1 माह पहले सोयाबीन के दाम 5 से 6 हजार रुपए के आसपास थे, जो अब घटकर 4 हजार रुपए के आसपास पहुंच गए हैं। ऐसे में दीपावली पर्व से पहले मुंह तक आया निवाला छिन जाने की वजह से किसानों में चिंता देखने को मिल रही है। सीजन के शुरुआत में ही कृषि उपज के दाम गिर जाने की वजह से किसानों द्वारा नाफेड का खरीदी केंद्र शुरू किए जाने की भी मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।